मॉर्निंग गाइस, डे 7 एंड वी आर हेडिंग आउट ऑफ ले। अब हम यहाँ से जाएंगे कारगिल होते हुए श्रीनगर की तरफ, एंड कारगिल यहाँ से 220 किलोमीटर है। एंड वी आर एंटिसिपेटिंग कि हमें लग जाएंगे 5 से 6 घंटे वहाँ पहुँचने, बिकॉज बीच में रुकेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे भी और छोटे मोटे ब्रेक लेंगे। सो हम आए तो थे मनाली ले हाईवे से, जा रहे श्रीनगर ले हाईवे से। हमने सोचा कि ये करके देखते ताकि कुछ डिफरेंट देखने को मिले, ताकि हम बोर ना हो, नज़ारा डिफरेंट हो। एंड हम वाइट यैक में रुके थे, ले में काफ़ी अच्छा होटल है। सो अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ रुक सकते हो। लेट्स सी व्हाट दिस रूट हैज़ टू ऑफर, एंड देखते हैं रूट कितना मेमोरेबल होता है, यहाँ की जर्नी कैसी होगी। आगे यहाँ पे जोजिला पास आ रहा है जो कि बहुत टफ होता है, रूट्स कैसे हैं, जो भी होगा स्टॉप होंगे मैं डिटेल्स देता रहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी बैक टू दिल्ली फ्रॉम ले थ्रू श्रीनगर ले हाईवे। सी यू सून। सो गाइस, फाइनली देख सकते हो यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिख रही होगी, दरभा श्रीनगर 425 किलोमीटर, कारगिल 222 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी तो काफ़ी 125 किलोमीटर तक तो लद्दाख ही रहेगा, हम श्रीनगर या जम्मू साइड एंटर भी नहीं कर पाएंगे। अब जब हमें कारगिल पहुँचना है, देखते हैं रोड्स कैसी रहेंगी। बट अभी तो लद्दाख है, तो लद्दाख की रोड सिटी वाली जो सारी की सारी अच्छी है, तो आगे कुछ होगा, कुछ सिचुएशन होगी, आई विल अपडेट यू। फिलहाल के लिए इन्जॉय द राउट। सो गाइज, हम निकल चुके थे लेह से 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद, अभी भी हम लद्दाख में यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन यहाँ की जो रोड्स हैं वो काफ़ी सुंदर है, छोटे छोटे गाँव काफ़ी सारे बीच में पड़े थे, पीछे कोई सिस्तपॉल करके विलेज था, वहाँ से जो रोड्स शुरू हुई हैं तो काफ़ी सेक्सी रोड्स हैं। यहाँ पे माउंटेन के जो कलर हैं जो हमें मेन ले सिटी और लद्दाख में दिखे थे उनसे काफ़ी अलग हैं। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन टाइप के माउंटेन्स हैं, वहाँ बिल्कुल ही ब्राउनिश एकदम जैसे भीड़ वाला कहते हैं वो चीज़ थी, ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं थी। बट इस वाले रोड पे या इस वाले रूट पे काफ़ी ग्रीनरी है, जैसे ये यूलो टॉप कुछ पीछे विलेज निकला, कैफे सारे यहाँ पे रिजॉर्ट्स भी हैं, कैफेज भी हैं, स्टॉपिंग पॉइंट्स है, तो आप रुक सकते हो, रिफ्रेश हो सकते हो, खा सकते हो, रेस्ट रह सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी है, नॉट लाइक लद्दाख एंड लेह में जो पीछे हमने जो मनाली से जब आ रहे थे तो जो हमें रास्ता मिला था जो कि बिल्कुल बीहड़ टाइप था, यहाँ वैसा नहीं है। एंड आई होप जैसे जैसे हम श्रीनगर के और पास आते जाएंगे, लेक कारगिल के टाइप पास आते जाएंगे, तो हमें रास्ते और खूबसूरत मिलेंगे, बिकॉज कश्मीर इज़ ऑल अबाउट ग्रीनरी माउंटेन्स। तो वहाँ पे पहाड़ ऐसे सूखे नहीं होते, बीहड़ नहीं होते, तो वहाँ की पहाड़ देख लो, ब्रिज से भी जस्ट हमने क्रॉस किया है एंड काफ़ी शार्प टर्न्स हैं। तो अब तक तो रोड्स बहुत अच्छे हैं, देखते हैं कब तक अच्छे रहते हैं। पीछे सिस्तपुरा विलेज था, उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, देखते हैं का सफ़र कैसा रहेगा। सो गाइस, लास्ट उसके बाद ये रास्ते पर मिला खलसी विलेज, काफ़ी बसा बसाया शहर है, इसको आप टाउन बोल सकते हो। सब कुछ यहाँ पे लोकल्स रहते हैं, घर है, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट है, मतलब लोगों की अपनी गाड़ियाँ वाड़ी, काफ़ी ग्रीनरी भी है यहाँ पर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें अच्छे रोड्स और अच्छे बसे बसाए शहर टाउन दिखते जा रहे हैं, जो कि हमें ले मनाली हाईवे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। जब तक आगे हम जोजिला पास नहीं क्रॉस करेंगे, उससे पहले तक रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड बीच में हम उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत सारे शहर देखने को मिलेंगे, जैसे आप देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोकल्स रह रहे हैं, क्योंकि हमें ले मनाली में बिल्कुल देखने को नहीं मिला था। तो देखते हैं आगे के रास्ते कैसे हैं, कुछ होगा तो मैं अपडेट दे रहा हूँ। सो गाइज, ये है फाटुला टॉप। तो आप जब 2.5 घंटे की जर्नी के बाद आप आओगे अगर ले से, तो आपको ये पास मिलेगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी बॉडी फुली रोटाइज हो चुकी होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कुछ ऐसा पंचराइज करने का ऑप्शन है भी, बहुत पीछे आर्मी का छोटा सा बेस भी है, जस्ट कि आप रुक के अगर देख सकते हो, जैसे हर जगह लगातार पहले वो फ्लैग्स लगे होते हैं, वो फ्लैग्स लगे पड़े हैं, एक बस व्यू देने के हिसाब से ज़्यादा कुछ खास है, इसलिए हम यहाँ पर रुके नहीं और हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं आगे और क्या होता है। सो गाइस, आप देख सकते हो, वेलकम टू अथॉरिटी ऑफ कारगिल। सो फाइनली हम लद्दाख छोड़ के अब जम्मू कश्मीर के टेरिटरी में घुस चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है कारगिल, पीछे हमने चेक किया था 84 किलोमीटर दिखा रहा था, अभी 75 दिखा रहा है मैप पे। तो यहाँ पर नेटवर्क भी ठीक ठाक पकड़ रहा है, मैप लगा दिया था चल रहा है, तो नेटवर्क यहाँ पे अच्छे हैं, नॉट लाइक मनाली ले वाला हाईवे पे। बीच में यहाँ पे काफ़ी सारे काम आते हैं, तो नेटवर्क बीच में आते जाते रहेंगे, मगर आपको जैसे घर पर बात करने कुछ भी करने तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। एंड रोड्स की भी अब तक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है, अब तक सुपर स्मूथ रोड्स आए, कहीं कहीं थोड़े बहुत टूटे टाटे थे, बट रोड्स अब तक बहुत ही अच्छे हैं। एंड आई एम होपिंग कि कारगिल तक भी रोड्स ऐसे के ऐसे ही रहे। सो देखते हैं आगे का सफर कैसा रहता है, कुछ और होता तो मैं बताता हूँ। तो गाइस, कारगिल के जैसे ही आप लोकेशन में एंटर करोगे, जहाँ पर मैंने आपको पीछे दिखाया था वीडियो में, तो आधा घंटा 40 मिनट के ड्यूरेशन के बाद आएगा आपको, देख सकते हो, नामी काला, जिसका एल्टीट्यूड है 12,000
198 फीट अबव द सी लेवल, तो उतना ऊंचा नहीं है जितना हमारा चांगला पास था वगैरह वगैरह, जो बीच में तांगलांगला पास था जिसकी हाइट मोर देन 17,000 फीट थी, उससे कम ही एल्टीट्यूड पर है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़, मतलब पासेस का बेसिक मकसद यही है कि बताते हैं कि आप कितने हाइट पर हो। लोग यहाँ खड़े होते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। सो कारगिल से अब तक का रास्ता जितना भी आया हम लेह से, काफ़ी स्मूथ रहा है, रोड्स बहुत स्मूथ है। कारगिल तक तो बहुत स्मूथ रहेंगी, जो दिक्कत आएंगी वो सारी कल आएंगी जब हम कारगिल से निकलेंगे श्रीनगर के लिए। तो अभी हमारा डिस्टेंस बचा है वो बचा सिर्फ 1 घंटा। कैमरे में देखो पीछे देख सकते हो नवा किला, ऑब्वियसली उल्टा दिख रहा है। 1 घंटे में हम कारगिल पहुँच जाएंगे एज पर गूगल मैप्स। रास्ते में कुछ भी चैलेंजेस आ सकते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है, हम कैसे पहुंचते हैं कारगिल। गाइस फाइनली हम कारगिल पहुंचने वाले हैं, कुछ 10-15 किलोमीटर दूर होंगे हम। एंड फ़र्क दिख रहा है यहाँ पे, जो ग्रीनरी है जो लद्दाख में जो फ़र्क था वो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइवलीहुड है, लोग बसे हुए हैं, दोनों साइड पेड़ है रोड के। लद्दाख में बस सूखे सूखे पहाड़ थे, उससे काफ़ी डिफरेंट है। यू कैन ईजिली स्पॉट द डिफरेंस। अगर आप सेम रूट लेके जाते हो ना अली बनाले हाईवे से वापस दिल्ली के या जहाँ से भी आए हो, तो आप ये चीज़ मिस कर दोगे। हमें थोड़ा डिफरेंट रूट ले चला, हमें एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। फटाफट मैं कारगिल पहुँचता हूँ और दिखाता हूँ शहर में क्या है हमारे लिए। तो गाइस फाइनली आफ्टर अ जर्नी ऑफ 4.5 आवर्स हम लेह से निकले थे और हम कारगिल पहुंच गए। पीछे देखो ये हमारा होटल है, होटल गासो, यहाँ रुकने वाले हैं। फटाफट जाएंगे, चेक इन करेंगे, थोड़ा शहर को करेंगे एक्सप्लोर। जर्नी बहुत स्मूथ थी, हमारे साथ वाले भाई को थोड़ी दिक्कत हुई, इनको नहीं उन वाले आगे वाले को, कपिल भैया साहब को। भाई पहाड़ियाँ तो भाई को कोई दिक्कत नहीं होती, मैं भी फिट एंड फाइन हूँ। देखते हैं हमारे लिए इस शहर में हमारे लिए क्या है। लेट्स सी एंड एक्सप्लोर कारगिल इन अ वाइल। तब तक अंदर जाकर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करता हूँ, फ्रेश वगैरह होते हैं, आगे मिलता हूँ तुमसे मैं। हेलो गाइस, तो अभी मैं खड़ा हूँ कारगिल सिटी में। आप मेरे पीछे सिटी का व्यू देख सकते हो, शाम को बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगता है। बगल से रिवर फ्लो कर रही है, ऊपर देखो कैसे पहाड़ों पर घर बने हुए हैं, थोड़ी बहुत वेजिटेशन है, मार्केट है, मार्केट जा सकते हो। हम भी जब यहाँ पे दिन में पहुँचे थे, हमने क्या किया, हमने चेक इन थोड़ा लेट किया, लेट पहुँचे थे, गए खाना खाया, उसके आधार थी नींद, हम सो गए। हमारा प्लान था कि LOC जाएंगे, वॉर मेमोरियल जाएंगे, बट हम देख नहीं पाए। बस शाम को निकले थोड़ा सा घूमने के लिए। तो इसके बारे में बताऊँ तो ये जगह वॉर इम्पोर्टेंस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर सब मस्त फेमस कारगिल वो लड़ा गया था। यहाँ से टाइगर हिल जो कि 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने झंडा गाड़ा था और वहीं पर वो शहीद हो गए थे। तो ये छोटा सा शहर है, काफ़ी करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट हाँ फुल्ली बसा बसाया शहर है। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, जो हमने दिन में लंच किया था वो दावत रेस्टोरेंट से किया था, काफ़ी अच्छा नॉनवेज था वहाँ पर, हमने कश्मीरी आइटम्स ही ऑर्डर किए थे। ये स्टिल लद्दाख रीजन में ही आता है, कश्मीर रीजन में, J&K रीजन में नहीं आता, लद्दाख में आता है। पहले हमें पता नहीं था, जब हमने बाद में चेक किया तो पता लगा, बिकॉज यहाँ पुलिस वगैरह जो घूम रही थी उन पे LP लिखा हुआ था, लद्दाख पुलिस। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे शाम हो रखी है, काफ़ी अच्छा मौसम है यार, हवा चली, बिकॉज रिवर के साइड में है, दिस इज़ द्रास रिवर, यहाँ से फ्लो करती है, तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। आप यहाँ पे शाम को आ सकते हो, बैठ सकते हो, बैठने के स्पॉट्स बना रखे हैं, अपना अच्छा टाइम इंजॉय कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हम होटल जाएंगे, थोड़ा बैठ के बातें करेंगे, डिनर करेंगे, सो जाएंगे और कल सुबह हम निकल पड़ेंगे श्रीनगर के लिए। हमें बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर 10 जोजिला पास आप क्रॉस नहीं कर सकते। जोजिला पास की क्रॉसिंग सिर्फ 10 बजे तक ही होती है, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ 1-way ट्रैफिक उन्होंने खोल रखा है, तो एक साइड से रास्ता जाता है, वहीं से आना जाना है, तो बहुत जाम लग जाता है एंड रास्ता बहुत ही डेंजरस है। तो हमें सुबह निकलना है जल्दी 6:30 बजे तक। यहाँ से जोजिला पास अराउंड 95-98 किलोमीटर्स है, तो हम ढाबे लगेंगे 2.5-3 घंटे। तो हम चाहते हैं वो 10 से पहले हम क्रॉस कर ले, इसीलिए हम जल्दी निकलेंगे। तो लेट्स सी सुबह कैसी होगी, क्या सफ़र रहता है। तब तक के लिए हमारा Day 7 यहीं पे एंड होता है, कल शुरुआत होगी Day 8 की, बैक टू श्रीनगर एंड वहाँ से फिर आगे दिल्ली के लिए। सो मिलता हूँ कल, तब तक बताओ तुम्हें कैसा लगा कारगिल शहर। ऑल्दो मैंने कुछ तुम्हें दिखाया नहीं है क्योंकि हमने कुछ कवर ही नहीं किया, बट ये एक नॉर्मल सिटी है, कुछ कवर करने को नहीं है। 3-4 स्पॉट्स ही थे, वो तुम सर्च कर सकते हो, उनके बारे में पढ़ सकते हो। See you tomorrow.